दोस्तों ये है फायर बोल्ट एटलस और आज इसका फुल डिटेल रिव्यू होने वाला है। इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ। हालांकि ये वॉच मुझे फायर बोल्ट ने भेजी है बट जो कमी है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का बॉक्स दिया गया है जहाँ पर वॉच की डिज़ाइन बनी हुई मिल जाती है और फीचर्स वगैरह मेंशन किए हुए मिलते हैं। बाकी यहाँ पर QR कोड दिया गया है जिसको स्कैन करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बॉक्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले वॉच रखी हुई मिल जाती है, उसके बाद एक केबल दी गई है चार्जिंग के लिए, उसके बाद यूज़र मैनुअल और काफ़ी सारे कार्ड्स मिल जाते हैं जिसमें आपको वारंटी कार्ड भी दिया गया है। तो यही सारी चीज़ें बॉक्स में मिल जाती हैं। बाकी अब आते हैं वॉच की तरफ। तो देख सकते हैं लुक वाइज वॉच काफ़ी अच्छी लग रही है। अब जल्दी से इसको ऑन करते हैं और फ़ोन से पेयर करते हैं। और पेयर करना काफ़ी ईजी है, बस एप्लीकेशन को ओपन करना है, उसके बाद जाना है ऐड डिवाइस पर और देख सकते हैं यहाँ पर वॉच आ गई है, इस पर टैप कर देना है और आसानी से वॉच पेयर हो जाएगी। बाकी इस वॉच की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है और मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। हालांकि इसमें सिंगल चिप का सपोर्ट नहीं मिलता है तो आपको दो जगह पर पेयर करना पड़ेगा, एक तो एप्लीकेशन में और दूसरा आपको ब्लूटूथ सेटिंग में जाकर पेयर करना पड़ेगा, तभी आप कॉलिंग फीचर को यूज़ कर पाएंगे। और एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको FB एक्टिव एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है और आपको बेसिक सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और एप्लीकेशन पर नज़र डालें तो सबसे पहले पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर आप जो जो एक्टिविटी करेंगे उसके रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं, बाकी डेटा वगैरह आसानी से सिंक हो जाते हैं। उसके बाद दूसरे पेज पर जाएंगे डिवाइस में तो यहाँ से वॉच को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि वॉच फेस हो गया। उसके बाद यहाँ पर ऐप मार्केट का सपोर्ट भी दिया गया है और यहाँ पर आपको कुछ गेम्स मिल जाते हैं जो कि आप वॉच में ऐड कर सकते हैं, तो ये फीचर मुझे काफ़ी यूनिक लगा। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ से नोटिफिकेशन ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसके बाद रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, उसके बाद हार्ट रेट रिस्ट अवे को ऑन ऑफ कर सकते हैं, वेदर को ऑन ऑफ कर सकते हैं और माइक कार्ड में जाएंगे तो यहाँ से आप QR कोड को वॉच में स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर आपको कैमरा शटर और रिसिप्ट कोड हो गया, उसके बाद यहाँ से कॉन्टैक्ट्स को वॉच में ऐड कर सकते हैं, यहाँ से अलार्म सेट कर सकते हैं और वॉच को अपडेट कर सकते हैं। बाकी लास्ट में जाएंगे मी में तो यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और अपना गोल वगैरह सेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर वुमेन हेल्थ का फीचर दिया गया है तो इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब आते हैं वॉच की तरफ। तो सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है और देखने में वॉच काफ़ी प्रीमियम लगती है। बाकी यहाँ पर जो सेट्स के एजेस दिए गए वो आपको फ्लैट मिलते हैं, तो इसमें आपको बॉक्सी डिज़ाइन मिल जाती है। और यहाँ पर आपको दो बटन दी गई है, एक तो रोटेटिंग क्राउन है जिसको रोटेट करके वॉचेस को चेंज कर सकते हैं और दूसरे आपको इस तरह की बटन दी गई है। और इसका साइज़ भी बहुत बड़ा नहीं है तो ये सभी रिस्ट पे अच्छी लगने वाली है। बाकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है और यहाँ पर आपको मेटल फ्रेम मिल जाते हैं और बैक साइड की बॉडी प्लास्टिक की दी गई है। बाकी जहाँ पर सेंसर है वहाँ पर आपको ग्लास मिल जाता है। उसके अलावा स्ट्रैप की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको लेदर स्ट्रैप मिल जाता है, हालाँकि ये जेन्युइन लेदर नहीं है बट आपको फीलिंग लेदर वाली मिल जाती है। तो डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है इस वॉच की और इसमें IP68 की रेटिंग भी मिल जाती है, तो लगभग 1.5 मीटर गहरे पानी तक इस वॉच को यूज़ कर सकते हैं जो कि अच्छी बात है। अब आती है डिस्प्ले पे तो यहाँ पर आपको काफ़ी शानदार क्वालिटी की 1.95 इंचेस की काफ़ी बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है जो कि एक TFT पैनल है और इसमें आपको 320x385 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन मिल जाता है। तो डिस्प्ले काफ़ी शार्प है और ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पर डिस्प्ले काफ़ी अच्छी खासी ब्राइट है, तो आउटडोर में आराम से यूज़ कर सकते हैं। और बेजल की बात करें तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ना के बराबर बेजल मिलते हैं और उतने फील नहीं होते हैं, तो इसमें आपको फुल डिस्प्ले का मज़ा मिलने वाला है। उसके साथ इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिल जाता है, तो यहाँ पर आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इसमें TFT डिस्प्ले है, AMOLED डिस्प्ले नहीं है और यहाँ पर आपको बस एक ही तरह का वॉचेस मिलता है एनालॉग, दूसरा कोई भी वॉचेस नहीं मिलता है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी। बाकी इसमें रेस्ट ऑफ फंक्शन भी दिया गया है जो कि रिस्पॉन्सिव है, तो जैसे ही हैंड को ट्विस्ट करेंगे डिस्प्ले ऑन हो जाएगी और वापस लेकर जाएंगे डिस्प्ले ऑफ हो जाएगी, और ये भी काफ़ी सही से वर्क करता है। बाकी वॉचेस की बात करें तो यहाँ पर बिल्ट इन 6 वॉचेस मिलते हैं वॉच में और यहाँ पर आप अपना कस्टम वॉचेस लगा सकते हैं और एक नहीं बल्कि 5 फोटो एक साथ लगा सकते हैं जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एप्लीकेशन की बात करें तो वहाँ पर आपको 100 से भी ज़्यादा वॉच फेसेस का सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे लाइव वॉच फेस भी मिल जाते हैं, तो यहाँ पर वॉच फेस के बारे में आप लोगों को चिंता नहीं करनी है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको 8 प्रकार की मेन्यू स्टाइल भी मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और इसमें आपको लिस्ट व्यू, उसके बाद रोटेटिंग मेन्यू, हनीकॉम स्टाइल, फ्लावर स्टाइल, काफ़ी सारी मेन्यू स्टाइल दी गई है इसमें। अब बात करते हैं फीचर्स की तो चलते हैं इसके मेन्यू में। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्टिविटी में जाएंगे तो यहाँ से आप एक्टिविटी रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर स्लीप ट्रैकिंग का फीचर दिया गया है, उसके बाद हार्ट रेट और यहाँ पर ECG का फीचर भी मिल जाता है जो कि आप लोगों को पता है कि फेक होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर ब्लड प्रेशर और ब्लड ऑक्सीजन का फीचर भी दिया गया है। बाकी स्पोर्ट्स में चलते हैं तो यहाँ पर आपको 100 वाट स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं जिसमें वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, योगा, दुनिया भर के मोड्स दिए गए हैं और एक्यूरेसी की बात हम लोग आगे करेंगे। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर म्यूजिक कंट्रोल का फीचर दिया गया है जहाँ पर आपको वॉल्यूम कम और ज़्यादा करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। उसके बाद यहाँ पर कैमरा कंट्रोल हो गया और यहाँ पर वेदर का फीचर दिया गया है और बस एक दिन का ही वेदर शो होता है। उसके बाद नोटिफिकेशन में जाएंगे तो यहाँ से मैसेज के नोटिफिकेशन देख सकते हैं और रिप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। उसके बाद फोन में चलते हैं तो यहाँ पर कॉल रिकॉर्ड्स हो गया, उसके बाद कॉन्टैक्ट्स का फीचर दिया गया है और इसमें आप अपने 100 कॉन्टैक्ट्स को सिंक कर सकते हैं जो कि काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि दूसरी वॉचेस में क्या होता है कि आपको 8 या फिर 10 कॉन्टैक्ट्स सिंक करने का ऑप्शन मिलता है बट यहाँ पर आप 100 कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डायल पैड मिल जाता है और SOS का फीचर दिया गया है।
उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर डायल पैड यहाँ पर भी मिल जाता है और वॉइस कंट्रोल का फीचर दिया गया है, तो यहाँ पर वॉइस कमांड देकर फोन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अलार्म का फीचर मिल जाता है, बट इसको ऑन ऑफ करने के लिए आपको एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज का फीचर दिया गया है, तो इनहेल एक्सहेल करके आप अपनी ब्रीथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेटर मिल जाता है जो कि लोगों का फेवरेट फीचर है, तो इस पर आप आराम से गुणागणित कर सकते हैं। उसके बाद टाइमर हो गया, स्टॉपवॉच, और यहाँ पर माइक कार्ड का फीचर दिया गया है, तो यहाँ पर आप QR कोड को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि आपको व्हाट्सअप का रखना है, लाइन का रखना है, इंस्टाग्राम का रखना है, तो वो सब आप स्टोर कर सकते हैं इसमें। उसके बाद रिसिप्ट कोड में जाएंगे तो यहाँ पर पेपल का ऑप्शन दिया गया है जो कि इंडिया में वर्क नहीं करेगा। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर फाइंड फोन हो गया और फ्लैश लाइट का फीचर दिया गया है, और यहाँ से आप थीम को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मसाज का फीचर मिल जाता है और इसको आप ऑन करेंगे तो बस वॉच वाइब्रेट होगी। उसके बाद यहाँ पर फीमेल पीरियड का फीचर दिया गया है और यहाँ पर आपको गेम का फीचर भी दिया गया है, तो गेम खेलकर आप टाइम पास कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको बस एक ही गेम मिलता है और आप एप्लीकेशन से ऐड कर सकते हैं इसमें, लेकिन एक टाइम आप एक ही गेम इसमें रख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशन मार्केट मिल जाती है और इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि प्रेशर हो गया, और उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर मोशन ट्रायल हो गया, और ये किस तरह से वर्क करता है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर थर्मामीटर का फीचर दिया गया है, बट यहाँ पर आपको कोई भी सेंसर नहीं मिलता है, तो ये फीचर भी फेक है। उसके बाद चलते हैं सेटिंग्स में, और यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टाइल मिल जाती है, तो यहाँ से मेन्यू स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज हो गया, डिमिंग में जाएंगे तो यहाँ से ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रीन टाइम में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक मिनट का टाइम मिल जाता है जो कि काफ़ी सही है, और यहाँ पर आप इसको ऑलवेज ऑन भी रख सकते हैं, बट बैटरी काफ़ी तेज़ी से ड्रेन होगी। उसके बाद यहाँ से वाइब्रेशन को सेट कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन में जाएंगे तो यहाँ पर आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर आपको रिंगटोन का फीचर भी दिया गया है जो कि काफ़ी मस्त है, और इसमें आपको तीन तरह की रिंगटोन भी मिल जाती है, बाकी कॉल रिंग, उसके बाद नोटिफिकेशन टोन और अलार्म टोन का फीचर भी दिया गया है, तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डो नॉट डिस्टर्ब हो गया, उसके बाद डिस्टर्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ पर पासवर्ड लगाकर वॉच को लॉक करने का फीचर भी दिया गया है जो कि काफ़ी मस्त है। उसके बाद टाइम सेटिंग, उसके बाद की डिफिनेशन में जाएंगे तो यहाँ से आप की को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आपका जो फेवरेट फीचर है आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसमें। बेसाइड लैम्प, उसके बाद कनेक्ट योर फोन, पावर सेविंग मोड, उसके बाद अबाउट, रिस्टोर फैक्ट्री और पावर ऑफ का ऑप्शन दिया गया है। तो देखा जाए तो यहाँ पर आपको ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जिसमें से कुछ फीचर्स आपको फेक भी मिलते हैं, जैसे कि जो थर्मामीटर है और ECG है वो आपको फेक मिलता है। और एक्यूरेसी की बात करें तो यहाँ पर इस वॉच की एक्यूरेसी अच्छी है। सबसे पहले इसके पेडोमीटर की बात करें तो यहाँ पर मैंने 100 स्टेप्स लिए और इसने 94 काउंट किए। उसके बाद मैंने उसी को कंटिन्यू किया और 200 स्टेप्स लिए और इसने 197 काउंट किए। तो इसका जो स्टेप काउंटर है वो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। हार्ट रेट की बात करें तो इसका हार्ट रेट भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, और जो रिजल्ट है वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट आते हैं, बट इसका जो हार्ट रेट है वो थोड़ा सा स्लो है, जैसे कि ऑक्सीमीटर में जब BPM बढ़ता है तो वॉच में बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, और इसका हार्ट रेट एक्यूरेट है बट थोड़ा स्लो है। उसके बाद SPU2 की बात करें तो यहाँ पर इसका रिजल्ट भी काफी हद तक एक्यूरेट आया, बट जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि SPU2 के लिए वॉच पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ब्लड प्रेशर की बात करें तो वो उतना एक्यूरेट नहीं होता है, और स्लिप ट्रैकिंग की बात करें तो यहाँ पर इसकी स्लिप की एक्यूरेसी मुझे अच्छी नहीं लगी। तो यहाँ पर स्टेप काउंटर और हार्ट रेट आपको काफी अच्छा मिल जाता है इसमें। अब ये कॉलिंग वॉच है तो इसमें आपको बिल्ट इन माइक्रोफोन और स्पीकर मिल जाता है, और दोनों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। स्पीकर लाउड है तो आराम से इससे बात कर सकते हैं, और जब कॉल आता है तो कॉल को कट कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप अपने 100 कॉन्टैक्ट्स को सिंक कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। रही बात स्पीकर की क्वालिटी की, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। एयरटेल में आपका स्वागत है। एयरटेल 5G प्लस अब लाइव है। बाकी रही बात मैसेज के नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश का सपोर्ट मिल जाता है बट हिंदी का सपोर्ट नहीं मिलता है, जो कि अगर होता तो भाई अच्छा होता। तो यहाँ पर हिंदी के मैसेज आप इसमें नहीं पढ़ पाएंगे। बाकी इसके UI की बात करें तो यहाँ पर UI काफ़ी अच्छा मिलता है और लैग नहीं करता है। जैसे कि ऊपर से स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पर कंट्रोल सेंटर दिया गया है, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे शॉर्टकट फीचर्स मिल जाते हैं, और स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद नीचे से स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ से नोटिफिकेशन देख सकते हैं। लेफ्ट साइड से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर स्पीड स्क्रीन का फीचर दिया गया है, जहाँ से आप रिसेंट ऐप को यूज़ कर सकते हैं। बाकी राइट साइड से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि एक्टिविटी हो गया, उसके बाद स्लीप, हार्ट रेट, और यहाँ पर आप ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद डिस्प्ले पर टैप करके होल्ड करेंगे तो यहाँ से वॉचेस को चेंज कर सकते हैं। बाकी क्राउन को रोटेट करके भी वॉचेस को चेंज कर सकते हैं, और प्रेस करेंगे तो मेन मेन्यू में चले जाएंगे, जहाँ पर आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी नीचे वाली बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कॉलिंग फीचर एक्टिवेट हो जाता है। हालांकि इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और आपका जो फेवरेट फीचर है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो UI भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है इसमें। रही बात इसके बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पर इसका बैटरी बैकअप डिसेंट सा है, ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा बुरा है, और आपको वही 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा कॉलिंग फीचर के साथ। अब आते ही मुद्दे की बात पे कि क्या इस वॉच को लेना चाहिए या नहीं, तो इसका जो प्राइस है वो है 3,000 से लेकर 3,500 के बीच में, और ये फ्लैक्चुएट होता रहता है। हालांकि ये जो वॉच है वो ऑफलाइन मार्केट को टारगेट करने वाली है, क्योंकि ये फायरबोल्ट का ऑफलाइन आर्टिकल है और ये ऑनलाइन में नहीं बिकेगी।
तो प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाई अच्छी वॉच है, बुरी नहीं है। यहाँ पर डिजाइन काफी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा तगड़ी है, डिस्प्ले काफी शानदार है और एक्यूरेसी आपको बस ठीक ठाक मिलती है। हालांकि यहाँ पर आपको फीचर्स काफी सारे मिल जाते हैं। कमी की बात करें तो यहाँ पर कुछ कमी भी है, जैसे कि इसमें हिंदी का सपोर्ट नहीं मिलता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ फीचर्स आपको फेक मिलते हैं जो कि अगर नहीं होते तो बेहतर होता। और जो तीसरी कमी है वो है इसका प्राइस। अगर इसका प्राइस थोड़ा कम होता तो भाई मजा आ जाती, बाकी अभी के हिसाब से देखा जाए तो ये थोड़ा सा ओवर प्राइज्ड वॉच है। तो मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया, बाकी आप लोगों की मर्जी आप लोगों को लेना है या नहीं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाएं और आप लोग बताइए आप लोगों को वॉच कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।